Uh, those are question says uh, a ball is dropped from a spacecraft revolving around the earth at a height of 120 km what will happen to the ball the first option a it will continue to move uh, with velocity v along the original uh, orbit of spacecraft uh, second option a it will move with the same speed tangentially uh, to the spacecraft uh, th uh, third option a it says it will fall down to the earth gradually ऑप्शन नंबर डी है इट विल गो वेरी फार इन द स्पेस नाउ सिंपल सवाल है लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल uh, आपकी क्लैरिटी चेक करेगा सो so, ये आपका सेटेलाइट पाथ है और ये आपका अर्थ है और यहाँ से हमें दिया है कि 120 किलोमीटर की ऊंचाई पे आपका कोई सेटेलाइट है इसको जिस तरह से हम क्लास में बात करते हैं कि मान लीजिए कोई uh, स्पेस में बैठा हुआ कॉर्नफ्लेक्स खा रहा है अपना नाश्ता कर रहा था और उसके हाथ से चम्मच छूट गया सो so, यहाँ पे जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है दैट इज़ ड्रॉप्ड नॉट हमने ये नहीं कहा है कि उसको हमने इनिशियल वेलोसिटी देके फेंका है उसके हाथ से बस चम्मच छूटा है तो उस केस में चाहे वो स्पेसक्राफ्ट के बाहर भी है उस केस में जो आपका uh, जो ऑब्जेक्ट है जिसको हमने जस्ट जेंटली ड्रॉप किया है हमने उसे लॉन्च नहीं किया हमने उसे एक्स्ट्रा वेलोसिटी नहीं दी है वो जस्ट ड्रॉप किया है उस केस में वो वहीं पे साथ के साथ घूमता रहेगा सो हैंस ऑप्शन नंबर ए वुड बी द राइट आंसर इसका रीज़न हम दे सकते हैं इनर्शिया से इसको हम रिलेट कर सकते हैं क्योंकि वो उसके साथ ही चल रहा था वो साथ ही चलता रहेगा हमने उसे कोई एक्स्ट्रा फोर्स या एक्स्ट्रा एनर्जी दे नहीं भेजा है सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर